नमस्कार जी, आज हम बना रहे हैं आलू छोला की सब्जी। तो आलू छोला की सब्जी राजस्थान में इस प्रकार बनाई जाती है, लो आपको बताते हैं जी। हमने इसमें कढ़ाई में तेल डाल लिया, ऑयल डाल लिया जी पहले, फिर पूरा वीडियो देखना जी। राजस्थान में बिना गरम मसाले से हम सब्जी किस प्रकार बनाते हैं, डेली सब्जी हम आपको बता दूंगी। इसी प्रकार बनाते हैं जी, और स्वाद भी बहुत होती है जी। फिर इसमें हमने डाल लिया जीरा, गैस को कर दिया थोड़ा कम। फिर इसमें डाल दिया थोड़ा सौंफ, सौंफ डाल दिया। अब इसमें फ्राई के लिए हो रही थी, अब इसमें डाल दी थोड़ी बहुत हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल रहे हैं, देखो इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। गैस को वापस तेज कर दिया। एकदम आसान तरीका है जी, बिना गरम मसाले के, सिर्फ हल्दी मिर्च और धनिया के अलावा हम कुछ नहीं डालते हैं जी सब्जी में। गरम मसाला ये सौंफ जीरा ही डाल देते हैं, आलू की सब्जी में ही सौंफ डालते हैं और सब्जी में नहीं, हरी मिर्च में डालते हैं और आलू में। आलू छोले की सब्जी बता रही थी आज आपको, फिर हमारी तरह आप भी बना के देखना कितनी अच्छी सब्जी बनती है, स्वाद अलग ही होता है। अब इसमें हम 2 चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं जी, फिर 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच से थोड़ी कम है जी, लाल मिर्च थोड़ी और डाल देते हैं जी। इसमें 5-6 आलू थे, अब इसको थोड़ा सीझा फ्राई करेंगे जी। ये लहसुन लहसुन है जी कुटा हुआ, इसमें पानी डाल दिया लहसुन को साथ में ही। थोड़ा पानी और डाल देते हैं इसमें, ताकि फिर ना डालना पड़े आलू में सब छोले को। रात को भिगो दिए थे और फिर आलू और छोले को साथ में और उबाल लिए। उबलने के बाद आलू उबल जाने के बाद आलू को छोड़ के काट लिए। अब देखो जी उबले हुए आलू है, इनको काट लिए मोटे मोटे। हमारे राजस्थान में सब्जी हम आसान ही से बना लेते हैं जी, में कोई तड़के वड़के की जरूरत नहीं है जी ज्यादा, और स्वाद भी हो जाती है। हमारी तरह फिर आप ही बना के देखना जी सब्जी कितनी अच्छी स्वाद में होगी, और आपको लगेगी अच्छी जी, जरूर लगेगी। आप देखना जी मेरा पूरा वीडियो देखना। अब इसमें हम
और छोले डाल देते हैं, मेरे को उबलने लगे है ना, अब इसमें छोले डाल देते हैं, उबले छोले दिए। थोड़ा इसको उबलने देते हैं जी। देखो जी, हमने 2-3 मिनट के लिए ये सिझा लिए। अब इनको आलू डाल देते हैं जी, उबले हुए आलू है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जी को बनने में। देखो जी, 5 मिनट के लिए, हाँ ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। और फिर ये सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी जी। नमक नहीं डाला जी, अब नमक डाल देते हैं इसमें। और इसमें देते हैं, देखो जी हमारी सब्जी अब तैयार हो गई है एकदम से, सुगंधित और मस्त सब्जी है जी। बना रहे हैं रोटी, अभी आटा लगा रहे हैं जी। देखो जी, हमारा आटा गुन्नी गया, लोच भी आ गया इसके अच्छे से। अब रोटी बनाएंगे, फिर छोले भटूरे की सब छोले और आलू की भटूरे की नहीं जी, छोले और आलू की सब्जी, हमारी राजस्थानी रोटी। देखना जी और बताना कैसी लगी जी आपको।
देखो सीधा बैठ।